अपने बच्चों को हाइड्रेट रखना, मुनासिब आराम करना और ज्यादा गर्मी को कम करने के लिए हल्के कपड़े पहनना बुखार के दौरान कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। बच्चों में बुखार के इलाज के लिए यहाँ 5 कुदरती घरेलू इलाज हैं। 1. गजाइत बख्श सूप, घरेलू सूप विटामिन्स और मदनियात से भरे होते हैं, बच्चों के लिए आसानी से हजम होते हैं। वो मुदाफती निज़ाम को फरोग देते हैं और हाइड्रेशन फराहम करते हैं। 2. एप्पल साइडर गुस्ल, 1 कप एप्पल साइडर सिरका के साथ हल्का गर्म गुस्ल जिस्म को ठंडा करने और मुमकिन तौर पर बुखार को कम करने में मदद करता है। 3. हर्बल चाय, कैमोमाइल और पेपर मिनट की चाय बुखार से निजात के लिए मददगार और महफूज हैं। पेपर मिनट हाजमे में मदद करता है और हुआ की नालियों को साफ करता है। बेहतर जायका और इजाफी एंटी बैक्टीरियल ताकतों के लिए आप चाय में 1 चाय का चम्मच शहद भी शामिल कर सकते हैं। 4. प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स मुदाफती निज़ाम को बढ़ा सकते हैं और आंतों की मजमुई सेहत को फरोग दे सकते हैं। आपके मुदाफती निज़ाम का तकरीबन 80% इन छोटे जरासीमों में है जो आपके आंतों में रहते हैं। 5. फ्रूट पॉपसिकल्स, सिड लॉलीपॉप आपके बच्चे के दर्जा हरारत को अंदर से ठंडा कर सकते हैं और साथ ही उन्हें हाइड्रेट कर सकते हैं। आप पॉप्सिकल कॉन्स में खालिस फलों को मुंजमद करके अपने फलों के पॉप्सिकल बना सकते हैं। नीज बच्चे के दर्जा हरारत की बाकायदगी से निगरानी करें और अगर नौमौलूद बच्चों में बुखार 100.4 डिग्री फारेनहाइट 38 डिग्री सेंटीग्रेड इससे ज्यादा हो जाए, अगर 2 साल इससे ज्यादा उम्र के बच्चों में बुखार 3 दिन से ज्यादा बरकरार रहे तो डॉक्टर से रुजू करें। किस दर्जा हरारत को बुखार समझा जाता है के बारे में जानने के लिए हमारी अगली वीडियो देखें।